हेलो स्टूडेंट, आई एम रेनू श्रीवास्तव फ्रॉम SBS चिल्ड्रन अकेडमी. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सब्ट्रैक्शन. जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने की, माइनस करने की. तो क्या सीख रहे हैं? सब्ट्रैक्शन. जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है माइनस करना, घटाना. और उसका साइन कैसा होता है स्टूडेंट, आप बताइए? प्लस का जो होता है वो साइन अलग होता है, और सब्ट्रैक्ट करने का, सब्ट्रैक्शन का जो साइन होता है वो कैसा होता है? सब्ट्रैक्शन, इसका साइन है ऐसा. इट मीन्स अगर ये आपका ये साइन है तो आपको क्या करना है, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, और उसका साइन ऐसा है. ये आपका सब्ट्रैक्शन का साइन है. और स्टूडेंट, इसकी क्या कर रहे हैं हम लोग, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो स्टूडेंट, फर्स्टली हम कुछ नंबर्स को राइट कर लेते हैं, देन आफ्टर उसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके और हम लोगों ने 1 डिजिट का किया, 2 डिजिट का किया, और आज हम क्या करते हैं, 3 डिजिट उठाते हैं. 3 नंबर्स को हम राइट करके फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, 2, 1, 3, 2, 3, 1. ये आपके 3 डिजिट्स हैं, 3 नंबर्स के हैं, इन्हें हम माइनस करेंगे. ओके, ये आपके 3 नंबर्स की, 4 minus 2, 5 minus 2, 5 minus 2, 6 minus 2. ओके, 7 minus 5, 7 minus 5, 6 minus 3, 4 minus 2, 8 minus 4, 8 minus 2, 8 minus 5. ये कुछ नंबर्स हैं जिन्हें हमें क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. 9 minus 5, 8 minus 5, 8 minus 4. Three minus 1, 2 minus 1, 4 minus 2. तो ये कुछ नंबर्स हो गए जो हमने राइट किए हैं, और हमें इन नंबरों को क्या करना है, माइनस करना है. बिकॉज हम सीख क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, और इसका साइन आपका ये साइन है सब्ट्रैक्ट का, माइनस का. तो ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो क्या है, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं, इसमें आपका प्लस नहीं है. और हम लोगों ने क्या सीखा है, प्लस सीखा है, और प्लस का साइन भी
आपको पता है डिफरेंट होता है, ये आपका माइनस का साइन है, ये आपका माइनस का साइन है, और आपका प्लस का साइन, जैसा कि पता है आपको प्लस मीन्स, ये देखिए आपका प्लस का साइन ऐसा होता है, ये आपका प्लस का साइन है, इट मीन्स आपको क्या करना है, प्लस करना है, एडिशन करना है, बट ये क्या है आपका सब्ट्रैक्शन है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इस नंबर को, 3 में 1 माइनस करना है, 3 में 1 माइनस किया तो आपका कितना आया, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 में 1 को माइनस करना है, कम करना है, लेस करना है, तो 3 में 1 निकाला आपका आया 2, कितने बचते हैं, 2 बचते हैं आपके, 3 में 1 माइनस किया 2 आया आपका, 3 में 2 माइनस किया, 3 में 2 माइनस किया तो आपका कितना आया, कट करके आप देखिए, 3 में 2 माइनस किया 1 आया, 3 में 2 माइनस किया 1 आया, और 2 में 1 माइनस किया तो 1 आया, 2 में 1 माइनस किया आपका आंसर आया 1, ओके। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप लाइन ड्रॉ करके उसके थ्रू भी कट करके ये आप कर सकते हो, ओके। 3 में 1 माइनस किया 2 आया, 3 में 2 माइनस किया 1 आया, 2 में 1 माइनस किया 1 आया आपका, तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये देखिए आंसर हो गया। कर क्या रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं क्या, सब्ट्रैक्शन। 6 में 2 माइनस किया, 6 में 2 माइनस किया, 6 लाइन ड्रॉ की, 1 2 3 4 5 6, कट करनी है 2, 2 कट करने के बाद बचती है आपकी, फिर काउंट जो बचती है उसे आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो आपका आंसर आया 4, और राइट किया आपने 4। 5 में 2 माइनस करना है, 5 में 2 को माइनस किया, इट मींस 5 लाइन ड्रॉ करके 2 लाइंस को कट करना है, 5 लाइन ड्रॉ करके 2 लाइंस को आपको क्या करना है, कट करना है, ओके, 2 लाइंस को आपको कट करना है। 5 माइनस 2, 5 में 2 माइनस किया तो आपका आया 3, सो आपने राइट किया 3, ये आपका 3। 4 माइनस 2, 4 में 2 को माइनस किया, 4 लाइन ड्रॉ कीजिए, 2 लाइन उसमें कट कीजिए, 4 लाइन ड्रॉ करके 2 लाइन को कट कीजिए, तो जो बचता है आपका वो आपका आंसर है, तो 4 में 2 माइनस किया, इट मीन्स आपका आंसर आया 2, आपका 2 जो है वो बचता है, ओके। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, 4 में 2 को माइनस करना है, 4 लाइन को ड्रॉ करना है, 2 लाइन को कट करना है, कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, 4 लाइंस, 4 लाइंस को ड्रॉ कीजिए और 2 लाइंस उसमें कट कीजिए, इट मीन्स जो आपका ऊपर नंबर है वो उतने लाइन आपको ड्रॉ करनी है, जो नीचे वाले नंबर है उतनी लाइन को कट करना है आपको, 4 लाइन ड्रॉ की और उसमें 2 लाइंस को कट किया तो आपका आया कितना बचता है, 2, आपका बच गया 2। 6 माइनस 3, 6 में 3 को माइनस किया तो आपका आया, 6 लाइन ड्रॉ कीजिए, 6 लाइन ड्रॉ करने के बाद कितनी लाइन आपको कट करनी है, 6 में 3 लाइन, 6 में 3 लाइन आपको कट करनी है, और अब उसके बाद 3 लाइन कट करने के बाद जो बचती है वो आपका आंसर है, यानी इतनी लाइंस आपके पास बच गई, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये 3 आपकी बच गई। 7 माइनस 5, 7 में 5 को माइनस करना है, घटाना है, कम करना है, तो 7 लाइन को ड्रॉ कीजिए और उसमें से 5 लाइन को कट कीजिए, कितनी लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, 5 या 7, 7 लाइन जो ऊपर नंबर है इतने नंबर्स की लाइन आपको ड्रॉ करनी है, 7 लाइन ड्रॉ कीजिए एंड 5 लाइन कट कीजिए, आपके पास जो बचती है वो आपका आंसर है,
इट मीन्स 7 में 5 माइनस किया तो आपका बचता है 2. आपने राइट किया 2. Okay? 8 माइनस 5. 8 में 5 को माइनस करना है. 8 में 5 को माइनस करना है. सो फर्स्टली राइट आपको ड्रॉ करना है 8 लाइंस एंड देन आफ्टर 5 लाइंस को कट करना है. 8 लाइंस को ड्रॉ किया और 5 लाइन उसमें कट की. जो आपका बचता है वो आपका आंसर है. तो 8 में 5 माइनस किया तो आपका कितना बचा? 8 में 5 माइनस किया तो आपका बचता है 3. आंसर आपका कितना आएगा? कितना आपका बचता है? आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हो, काउंट करके कट कर सकते हैं. इतनी अपने फिंगर अपनी ली और जितनी 8 फिंगर आपने ओपन की और 5 उसमें से डाउन कर दीजिए, फिर आप देखिए कि आपके पास कितनी बचती है. तो 8 में 5 माइनस किया तो आपका आंसर आया 3. ओके, आपका आया 3. 8 में 2 माइनस करना है. 8 में 2 माइनस किया मींस 8 लाइन ड्रॉ करनी है, 2 लाइंस जो है आपको कट करनी है. तो आपके पास बचती कितनी है? आप देखिए पहले लाइंस ड्रॉ करिए और उसके बाद 2 लाइन को कट कीजिए. आपके पास आई थिंक 6 बचेगी. ओके, डेफिनेटली 6 ही बचेगी. ये आपकी 6 आंसर हो गया. अब नेक्स्ट में है आपको 8 में 4 को माइनस करना है. 8 लाइन ड्रॉ करनी है और 4 लाइन कट करनी है. सो स्टूडेंट, कितनी लाइन आपको ड्रॉ करनी है? 8 लाइन. जो नंबर आपका ऊपर है उतनी लाइन्स आपको ड्रॉ करनी है और नीचे वाली लाइन जितनी है उतनी कट करनी है आपको. तो 8 लाइन आपने ड्रॉ की और 4 लाइन उसमें से कट कर दी. तो आपके पास जो अब बचता है वो आपका क्या है? आंसर है. यानी आपने 8 में 4 माइनस किया तो आपका आंसर आया 4. यानी आपका 4 बचता है. स्टूडेंट, ये प्रैक्टिस है आपकी सब्ट्रैक्शन की. और आपने अब तक 2-3 वीडियो जो भी देखे हैं सब्ट्रैक्शन के, आई थिंक कि उससे आपको ये सब्ट्रैक्ट करना आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे करते हैं इजी वे में. और इजी वे में करने के लिए सबसे अच्छा आपका जो तरीका है वो यही है. बिकॉज आप छोटे हैं तो आप लाइन को ड्रॉ करके ही करिए लाइन, क्योंकि आप फिंगर पे करेंगे तो हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हो जाए और वो आपको क्लियर ना हो. सो आप क्या करेंगे? लाइन को ड्रॉ करके कट करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा. तो चलिए स्टूडेंट आगे करते हैं. 8 में 4 माइनस करना है. 8 माइनस 4. 8 में 4 को माइनस किया तो आपका आंसर कितना आया? 8 लाइन आप ड्रॉ कीजिए, 4 लाइन को कट कीजिए तो आपका आंसर आया 4. आपका आंसर आ गया 4. अब आपको 8 में 5 माइनस करना है. 8 में 5 माइनस करना है तो फर्स्टली आप क्या करेंगे? 8 लाइन ड्रॉ करेंगे. 8 में 5 को माइनस करने के लिए आप सबसे पहले 8 लाइन को खींचिए, ड्रॉ कीजिए. देन आफ्टर 5 लाइन को कट कीजिए. 5 लाइन को कट कीजिए. अब देखिए आपका जो बच रहा है, जितनी लाइंस बच रही हैं आपकी सेफ, वो आपका आंसर है. तो 8 में 5 माइनस किया तो आपका 3 आया. 3. 9 में 5 को माइनस करना है. 9 लाइंस को ड्रॉ कीजिए, 9 लाइन को खींचिए ऐसे छोटी छोटी स्ट्रोक. 9 लाइन को खींचने के बाद आप 5 उसमें से कट कर दीजिए. 5 को कट करना है. अब देखिए आपकी कितनी लाइन जो है आपकी सेफ बचती है. करके देखिए, 9 को ड्रॉ कीजिए और 5 को कट कीजिए तो आपकी जो बची वो आपका आंसर है. इट मीन्स आपकी 4 बची और आपने 4 राइट किया. 4. लास्ट 4 माइनस 2 इज इक्वल टू. 4 में 2 को माइनस किया, 4 लाइन ड्रॉ की, 2 लाइन कट कर दी तो आपका आया 2.
माइनस वन, टू में वन को माइनस किया, टू में वन को माइनस किया, इट मीन्स टू लाइन ड्रॉ की, वन लाइन कट की, तो आपका बचा वन वन। थ्री में वन को माइनस करना है, थ्री में वन को माइनस करना है, थ्री लाइन ड्रॉ कीजिए और वन लाइन को कट कीजिए। ओके तो आपका थ्री में वन माइनस किया तो आपका आया टू, थ्री में वन माइनस किया तो आपका आंसर आया टू, ये टू आपके पास बच जाती हैं। ओके सो स्टूडेंट ये प्रैक्टिस थी आपकी सब्ट्रैक्शन की। ओके जैसा कि मैंने बताया कि ये नंबर्स अगर दिए हैं तो आप लाइन ड्रॉ करके ही इसको आप कट करेंगे और फिर जो बचता है वो आपका आंसर आता है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप लोगों को बताया जाता है, और ताकि आपको वो एक मेथड होता है ताकि वो समझ में आ जाए, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए। तो छोटे बच्चों को क्या होता है कि पहले कुछ ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, जैसे टॉफ़ीज़ दे दी, चॉकलेट्स दे दी कि इतनी आपके पास है, और इतनी आपने अपने फ्रेंड को दे दी, फिर आपके पास कितनी बचती है, तो इस तरीके से भी आप इजी तरीके से सब्ट्रैक्ट करना सीख लेते हैं, मीन्स माइनस करना सीख लेते हैं कि चीज़ें अगर कम हो जाती हैं तो कैसे बचती हैं। तो ये तो मैंने नंबर्स बताए आपको, जैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू भी मैंने बताया कि स्केच हैं, टॉफ़ी हैं, कुछ भी आपके पास है, टोटल आपके पास कितनी है और उसमें से आपने कितनी कम कर दी, कितनी अपने फ्रेंड को दे दी। ओके तो जैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू आप देखते हैं कि इतनी चीज़ें आपके पास हैं, इतनी आप अपने फ्रेंड को दे दीजिए तो फिर आपके पास कितनी बचती हैं, तो ये आपका क्या होता है माइनस सीखने का एक तरीका होता है, और ये हम लोगों ने नंबर्स को सीखा है। सो आप स्टूडेंट क्या करोगे, इन ऐसे ही आप नंबर्स को राइट करके और उन्हें माइनस करना सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।